डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में आपको जो मैं एक्सरसाइज करा रहा था 14.2 वो समाप्त हो गया। 14.3 का जो है क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, करेक्ट इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो स्टेटली 1.5, यानी हमको मीन मीडियन और मोड पे बात करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको मीन मीडियन मोड समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक इसके बारे में डिप्ली आपको क्लास में बताया था, तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो एक मीडियन इसका दिया हुआ है 28.5 दिया है। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उसके जो टेबल दिया है इसको हम बता रहे हैं। देखिए टेबल में देखिए क्लास में थोड़ा फ्रीक्वेंसी है, ये दो चीज तो क्वेश्चन में दिए होते हैं, लेकिन हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में कहते हैं संचय बराबर। ठीक है, कैसे निकालें? सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, और जो इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0 से 10 के बीच में कितने 5, 10 से लेकर 20 तक x इसका हमको मान वैल्यू पता नहीं है, और 20 से 30 के बीच में 20 है, और 30 से 40 लेकर 15 है, और 40 से 50 लेकर y है, और 50 टू 60 कितना है। अगर मैं सबको अगर जोड़ता हूं ये टोटल आ रहा है कितना 60, यानी 60 है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे 5 है और 5 एक्स स्क्वायर कर लेते हैं कितना आ गया 5 प्लस कितना हो गया एक्स, और 5 प्लस एक्स को 20 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 और प्लस 6 और 25 प्लस एक्स में अगर 15 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 45 प्लस 6 और 40 प्लस x में 5 ऐड करें तो 45 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये जो टोटल है इसको यन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यन इक्वल टू कितना है 60। आपको बताऊं मैं n इक्वल टू 60 और 60 का हम लोग करते हैं हाफ, n बाई 2 निकालते हैं, 60 का हाफ करेंगे तो कितना जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इसको अगर देखा जाए तो मैं मीडियम की बात जहां करूं तो 20 प्लस के बाद ही 30 या 28.5 आएगा। तो मीडियम का डाटा जो है गिवन हैश 28.5, जो मीडियम है इस डाटा में 28.5 है, इसलिए जिस डाटा में ये मीडियम आ रहा है वही इसका क्लास ऊपर लिया गया है। तो जो 28.5 है 25 प्लस एक्स वाले में आएगा, यानी कि इस वाले इंटरवल में आएगा, जब इस इंटरवल में आएगा तो इसके साथ वाला जो क्लास इंटरवल है ये लिया गया, और इसको जब हम लेंगे इसी क्लास इंटरवल में 20 से 30 जो लोअर लिमिट होगा इसी को क्या मान लेंगे यन, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम प्रेजेंट कर देंगे यन से जो 20 है, और इसमें जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो फ्रीक्वेंसी को मिला है इस क्लास इंटरवल में इसके जस्ट ऊपर वाला होगा 5 प्लस एक्स इसको सीएम बोलेंगे। और एक और होता है क्लास साइज, जो क्लास साइज है इनके बीच का जो गैप जो यस है 20 और 10 से 20 के बीच का जो क्लास साइज है वो 10 है, 20 और 30 का जो डिफरेंस है 10 का है, तो इसलिए क्लास साइज हमारा कितना हो जाएगा आपका क्लास साइज हो जाएगा यन। तो आइए देखिए यन इक्वल टू 60 है, और ये जो 60 है ये टोटल कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 60, क्योंकि जितना ये होता है उसके इक्वल होता है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, 45 जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर क्या बन रहा है 1। अब मैंने लिखना वो डाटा मेरे 28.5 में है, जो क्लास इंटरवल है कितना 20 से 30, तो मैंने बोला था कि जो लोअर लिमिट है उसको यहां से रिप्रेजेंट करेंगे, सीएल जो मेन फ्रीक्वेंसी आया है इसके जस्ट ऊपर वाला होता है 5 प्लस एक्स सीएम हो जाएगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी,
और जो फ्रीक्वेंसी हो गई अब एसी की फ्रीक्वेंसी है 20 और जो क्रॉस साइन है 10। अब इसको ऐड, इसको हम फॉर्मूले में रख लेंगे, मीडियन इक्वल टू r प्लस m / 2 - cf अपॉन m * h। मीडियन आपका है इस हमारे पास y आपका 20, y का वैल्यू 60 / 2, cf का 5 प्लस आप y का 20 और क्रॉस साइन है h 10। 0 से 0 के ऐड काट लीजिए आपको 28.5 इक्वल टू 20 प्लस, आप इसको हाफ कर डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, कुछ तक ब्रेक करेंगे तो माइनस 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 5 माइनस 6 और अपान बचा 2। अब एक काम करते हैं, इस 20 को हम इधर ला सकते हैं, जैसे 20 को इधर लाएंगे 28.5 माइनस 20, अब इसमें से लगा लीजिए 28.5 में से 20 सब घटेगा तो 8.5 और 30 में से 5 कम कर लीजिए कितना आ जाएगा 25, 25 माइनस 6 बाई 2। अब एक काम करते हैं, घटने पर 8.5 आता है, नीचे 2 से डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 10.5 कुल मिलाकर 17 होगा, 8.5 × 2 हो जाएगा 17, 25 माइनस 6 बचे, x को आप इधर लाइए 17 को इधर ले जाइए, आप देखिएगा x को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 17 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 25 से 17 कर लीजिए आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू आ गया कितना 8 और यही x का वैल्यू आप यहां रख दो, जब x का वैल्यू जब ये पे आप रखेंगे एक उधर जाएगा तो अंदर में से कम हो जाएगा तो वाई का वैल्यू बचेगा, वही x की जगह पे एक रखता हूं एक उधर जाएगा तो 15 में से जब 8 घटेगा तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू डियर स्टूडेंट ऐसे ही निकालते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और a आप क्या तो x का वैल्यू आपका 8 और y का 7।